तो देवी बहुत बढ़िया दी है, बदलना पड़ेगा, बदलेंगे, इसे भी बदलेंगे। तो जी सुबह 7:30 हो रहे हैं, रात को वीडियो एडिट करी थी, रेंडर भी कर दी थी, एक्सपोर्ट करनी है अभी। और आज हम निकल रहे हैं यूके के लिए, अभी 7:30 हो रहे हैं, 1 घंटा या 2-3 2-2.5 घंटे में निकल जाएंगे। अभी नाया भी नहीं हो ना, इसलिए शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। इसको एक्सपो बुला के नहाएंगे, पैकिंग भी करनी है, फिर देखते हैं आगे कितनी टाइम मिलेगा तो अपलोड भी कर दूंगा इसको। हाथ की हाथ एकदम, ये देखो ये दी, मगर फोकस कर मैं सवास, एक मिनट रुको मैं बंद हो, अब ठीक है। डेढ़ घंटे लगे, 3.5 GB है, चलो ऑन द इसको। तो भाई बैग पैक रेडी, एक ये रहा एक वो रहा, जिसमें अभी कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। ये वाला रेडी है, ये बैग रेडी है अपना, प्रेस भी कर ली थी टी शर्ट फटाफट और डाल दिया। अभी टाइम देखो, मैं बताएगा दिख जाए कहीं, 8:07 हो रही। चलो अब नहाएंगे जाकर। तो गाइस देखो पैकिंग चल रही है, अपनी पैकिंग डन है, इनकी पैकिंग नहीं हुई है, इनकी भी नहीं हुई है, अपनी चल रही है। सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? वो बोले तो अपन एकदम रेडी अच्छे जाने के लिए, और ये अपलोड होगी बस, बहुत जल्दी होती है। टाइम 9:36 हो गया, 8 सेकेंड वीडियो अपलोड करके आपको बंद करके इसको ठिकाना लगा के जाएंगे। आज हम निकलते हैं यहाँ से। लो जी होगी अपलोड, प्रोसेसिंग में बैकग्राउंड में वैसे ही अपने आप चलती रहती है। तो अब इसको करते हैं सबको रैप अप। तो गाइस ट्रिप से पहले टैंक फुल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हो थोड़ा भी कम हो तो भरा लेने का, जैसे हम भरा रहे हैं। दिस इज मस्ट, टैंक फुल रखना चाहिए कहीं भी भाग जाओ। तो गाइस गुड न्यूज़ ये है कि ये जो टनल है ना चाणक्यपुरी वाली, खुली है, वरना जब आओ तो आप इसी उतन लेके जाओ, यहाँ से खुली नहीं मिलती। और गद्दा अरे वाह, यहीं कहीं था ना, हाँ बंद कर दिया, चलो कम से कम रिपेयर तो करी। अपना कुछ रूट ऐसा है, इधर से सीधा इंडिया गेट की तरफ जाने का, ये आधा क्या बोलते हो क्या कहते हैं, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ जो बीच का ट्रैफिक वैफिक होता है ना मोतीबाग से इंडिया गेट की तरफ का, वो आधा कवर करके निकाल देता बाहर। वहाँ से प्रगति मैदान वाली टनल लेके सीधा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, भारी भारी निकल जाएंगे, फिर तो घसना ही नहीं है कहीं। तो गाइस सेकंड टनल, ये देखो कहाँ से कहाँ घुसता है, देखते ही नहीं है, काटना पड़ेगा यार। एंजॉय behind.
जाता है एक्सप्रेस से हम एग्जिट करते हुए। कितनी देर लगी हमें इस पे? आधा घंटा लगा ना, 10:30 बजे चढ़े थे हम इस पे, 11:15 हो रहे हैं, 45 मिनट लगे। 80-90 स्पीड मेंटेन करते चल रहे हम अभी, बढ़िया एवरेज निकल रही है एकदम मस्त। ये तो दे भी बहुत बढ़िया रही है, इतनी एवरेज कोई गाड़ी ना दे जितनी ये दे रही है 3000 सीसी पे। ये देखो भाई, ये गया नीचे, उठ जा, उठा ले रे बाबा, नंबर नहीं आया इस पे। तो हमने कर दिया मेरे एक्सप्रेस वे को एग्जिट। अब नेशनल हाईवे तो चलेगा ही साथ साथ अपने, हमारे साथ क्या, हम चलेंगे उस पे। चल तो भाई लोग, इधर पूरा इधर को मेरठ है, पुल के नीचे से राइट लेने का, 5 किलोमीटर अंदर जाने का, मेरठ में घुस जाओगे सिटी के अंदर। अभी हम बाईपास पे चल ले रहे हैं। धीरे हो गए, चलो देखो। ढीला हो गया, इस पर लटकाती ऐसे दिखाते दिखाते ये से चला जाता है। अब आसमान थोड़ी देखना है, फिर से निकाल के कसना पड़ेगा। बेचारा फोन भी क्या कर रहा है, 6000 mAh की बैटरी है, बैटरी ने भारी कर रखा है, क्या कर सकते हैं, बदलना पड़ेगा। बदलेंगे, इसे भी बदलेंगे। ये देखो खड़ा हुआ है बीच रास्ते में, कोई मतलब है? ऐसे थोड़ी होता है, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। देखो तो जी, वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पे आ गए, जो मेरठ सिटी बाईपास से क्रॉस करने के बाद पड़ता है। तो जी नाकाबंदी चल ले लिया मुजफ्फरनगर में एंट्री से पहले। चेकिंग चल रही है, पुलिस वाले रोक रहे हैं गाड़ी शाड़ी जैसे हम निकल रहे हैं, वो रोक रखी है पूरी, रोक दी फुल लोडेड है क्या। हम तो निकल गए, ध्यान ही नहीं दिया हमने, उसी को रोका बस। आप आ रहे निकल गए यहाँ से फुल टूस। और मुजफ्फरपुर में आपका हार्दिक स्वागत है, मुजफ्फरनगर सॉरी। चलो भाई चलो चलो चलो, और कितना रह गया हरिद्वार हैं? बोर्ड आ रहे देखते हैं, उस पर लिखा होगा तो लिखा है क्या, ये चश्मे से और उसमें कितना फर्क है, मौसम बहुत बदल रहा है। हम मुजफ्फरपुर बाईपास से निकल लें हरिद्वार 103, और ये मुजफ्फरनगर का बाईपास है, मुजफ्फरनगर लेफ्ट में रह जाता है। क्यों खड़ा है, खराब हो गया है। अब आ जाओ ऑरेंज ऑरेंज, गया पीछे, अब ऑरेंज मार रहे बेचारे ट्रक वाले को।
वो गया पीछे और इंच और इंच गियर पांच पूरे आ रहा आ रहा आ रहा पता नहीं क्यों दुनिया रेस लगा दी मुझे आते हुए ये मुझे फोन कर हाँ ये लेफ्ट में पूरा वही चल रहा है बाईपास है ना ये वाला अब यहाँ से लिया था हमने नहीं और आगे हाँ भाई लोग हरिद्वार 79 सहारनपुर वाले से ही गए थे देहरादून के लिए कटे हाँ वही वाला हरिद्वार 79 है फॉर्चुनर है वो तो है ही कोई शक है क्या अभी BMW अर्टिगा सबको हरा के आ रही है और कौन सी थी वो महिंद्रा की उसको भी अभी KUV ये पता नहीं कौन है इसको भी ये तो वो टैबलेट याद आ जाती सिट्रजिन की मेरे को इसका नाम पढ़ती सिट्रजिन है क्या है ऐसे ही कुछ है नहीं ये गाड़ी का नाम रेनॉल्ट है क्या है गाइस देखो पूरा तूफान सा उठा हुआ है मिट्टी मिट्टी हो रही है पूरे अब पता नहीं क्या है आंधी चल रही है मैं तो चश्मे से वैसे पीला पीला दिख रहा है उठा उठा के देखना पड़ रहा है कैसा चल रहा है क्या है क्या नहीं है देखो क्या है हवा चल नहीं रही है पता नहीं आंधी भी चल रही है या ऐसी उड़ रही है मिट्टी है क्या काम चल रहा है आगे ट्रैफिक भी लग गया है इस चक्कर में अभी टाइम 12:30 देखते हैं गाइस फॉर्च्यूनर से ऑफ रोडिंग करते हुए सब लोगों को चस्का चढ़वा है पीछे भी इनोवा भी आ रही है पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक हो रहा है टिश्क्यों टिश्क्यों ओए होए ये हम आगे आए ये लो जी लो जी ऑफ रोडिंग खत्म हुई फिर भी मौसम में बदलाव तो बहुत अब है माना 393 किलोमीटर माना विलेज तो पता होगा ना नहीं पता तो माना विलेज गूगल पे डाल के देख लेने का पता चल जाएगा लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है ओके तो भाई लोग 12:45 होने वाले हैं हमने सोचा थोड़ा खा पी लेते हैं भूख लग रही है तो अभी मुजफ्फरनगर बाईपास क्रॉस करके रुक गए हैं खाना खाएंगे फिर चलते हैं आगे तो जी सवा एक हो रहे लंच हो चुका है अपना अब आगे की ओर बढ़ पाए यू मस्ट ट्राई दिस ढाबा खाना एक नंबर है पेट भर के खाया मैं तो भया गर्मी लग रही तेज कर उसे यहाँ पे पड़ता है जैसी मुजफ्फरनगर बाईपास जैसी बिल्कुल क्रॉस होता है वैसी आता है ये यहाँ पे ये बोर्ड लग रहा है यहाँ पे आके ट्राई दो खाओ पियो मौज करो यहाँ से जा रहे हो तो चल दिया आगे हरिद्वार द कुंभ सिटी सही टाइम पे ऑन होता है कैमरा मेरे बड़े मुश्किल से ऑन हुआ आईफोन ले ले आईफोन बेकार वेस्टेज ऑफ मनी है वो हाँ हम हरिद्वार में घुस गए वाह मुबारक मुबारक एक और आ रहा है एक और बोल ये आ रहा है देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है ये गया ये
पिछली बार एक भी बोर्ड कैप्चर नहीं हुआ था, कैमरा ही नहीं खुला था, आपकी बार खुल गया तो हमने दिखा दिया। इसी का तो जाम है पुल का। पानी साफ है, सीधा ही जाना है पापा, सीधा ही चलो भाई सीधा। पुल्स वाले खड़े हैं, पुल्स वाले। लो जी ट्रैफिक खत्म, हरिद्वार 40 रह गया। डाल ही लो कैसे अब, ठीक है डालते हैं। डाल लो, डाल आराम से लो, सिटी है ये देखो। डेढ़ किलोमीटर तो है। तो गाइस जस्ट अभी सेंटर चेक करके हम वापस हो गए हैं होटल की तरफ। अब तो नींद आ रही है, मेरे को सोना है। इधर को बिल्केसर महादेव चलना है, कहाँ पे? इधर है। तो प्लान में सडन चेंजेस आते हैं, वैसे ही आ गए। सुबह तो मौका लगेगा नहीं, फिर तो महादेव के चलते हैं। जगह तो होगी, जगह ही जगह है। उधर चलना, ऊपर चढ़ा लियो भाई, ऊपर। हाँ ऊपर, पहले दूसरे गियर में तो पहले यही लगा दी। जय हो महाकाल। सीधी करके लगाइयो। पहुंच गए जी, पहुंच गए। इधर अरे बस उधर सीधी करके लगा दे। अरे एक तो चलते चलते तो गाइस दर्शन बढ़िया तरीके से हो गए। यहाँ की लोकेशन में डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, भर गई पार्किंग और क्या। लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अब बढ़ते हैं होटल की तरफ। 3:15 हो रहे हैं, चलो। तो गाइस पार्किंग में लगा दी गाड़ी, लगा दे नोक, ये हमने कर दी खड़ी। तो गाइस वेलकम टू द रूम। ये रूम है जिसमें इधर से कुछ नहीं दिखता भाई, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये अपना चेंजिंग एरिया, ये मैं हूँ। देखो यहाँ से कुछ नहीं दिखता। और ये अपना वॉशरूम, बस यहीं तक बाहर है, शावर तक रहा है। ये हुई ना कुछ बात, नाइस। तो भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड ही कर दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इधर से करो, इधर से करो।